प्रेम नमस्कार है मेरा आप सबको, यहाँ से लेकर वहाँ तक पीछे जो बैठे हैं, बहुत बहुत नमस्कार। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नवभारत टाइम्स का, ठाकुर जी का, रेखा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। कहाँ है ठाकुर जी, किधर चले गए? गिले शिकवे माफ, अंदर की बात है, हम सब समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप हंस दिए तो मेरा दिन बन गया। अब शुरुआत कहाँ से करूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। सच में मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तालियां हो जाए। आप भी वार्म अप हो गए और मैं भी, पता तो चला सब लोग जागे हुए हैं। हाँ, टुडे इज नॉट जस्ट अनदर ऑर्डिनरी डे, टुडे इज नॉट जस्ट अनदर ऑर्डिनरी डे, टुडे इज अ डे टू डू और टू से समथिंग दैट माइट जस्ट इंस्पायर समवन टू बिकमिंग ग्रेट, एस्पेशली द यूथ। सो आई कंग्रेचुलेट नवभारत टाइम्स कि वो इस प्रोग्राम को रखते हैं और वो यूथ को ये अहमियत देते हैं और उसकी अहमियत पहचानते हैं। जवानी, जवानी वो खूबसूरत टाइम है जिंदगी का, जब आप में जोश है, जुनून है, छलांग पहले मारते हैं सोचते बाद में हैं, बड़े हो जाते हैं तो सोचते पहले हैं, छलांग तो शायद लगाते ही नहीं। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही। मतलब मैं जब सोचती हूँ तो 18 साल की उम्र में मैंने कोई मिस इंडिया में भाग ले लिया। अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ माय गॉड मैं क्या सोच रही थी, मैं सच में सोच नहीं रही थी। सो अमेजिंग थिंग्स हैपन व्हेन यू आर यंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कमाल की चीज बोली है कि ट्रूली नॉवल आइडियाज इमर्ज ओनली इन वन्स यूथ, ट्रूली नॉवल आइडियाज इमर्ज ओनली इन वन्स यूथ, लेटर ऑन वन बिकम्स एक्सपीरियंस्ड, फेमस एंड फूलिश। सो यूथ, भारत में 356 मिलियन पीपल आर बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 24, 356 मिलियन पीपल। चाइना, जिसकी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, डबल है, दे हैव 299। अगला देश जो आता है वो इंडोनेशिया विद सम 67 मिलियन। Just imagine, we have 356 million young people in our country. We are the youngest nation on the earth. Europe, in comparison, has an aging population. All of Europe, मतलब वहाँ पर बढ़ रहे हैं सब लोग. Japan has a fastest aging population. वैसे मैं जापान के बारे में एक बात कहूँगी. दो हफ्ते पहले मैं वहाँ पर जापान में थी और मैं स्पेशली यूथ को बोलना चाहती हूँ, जापान गई, 9 दिन गुजारे वहाँ पर मैंने। कमाल का देश है, कमाल की उनकी सोच है, कमाल का उनका कल्चर है। दे आर पोलाइट टू अ फॉल्ट। उनको छोटेपन से सिखाया जाता है कि आप कभी किसी को ना नहीं बोलेंगे, कोई आपकी मदद मांगे आपको उनकी मदद करनी ही है और हंसकर करनी है। मतलब मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, मैं जापान में एवरीथिंग दे लर्न जापानीज, दैट्स देयर फर्स्ट लैंग्वेज, तो सारे साइन बोर्ड्स जो होते हैं वो जापानीज में, ज़्यादातर रास्ते भी जापानीज में लिखे होते हैं, तो मैं थोड़ा गुम हो गई थी, तो मैं ज़रा मैप लेके खड़ी हुई थी और आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड वन रेस्टोरेंट जहाँ पर बाकी लोग मेरे पहुँच गए थे। आई आस्क्ड समबडी ऑन द स्ट्रीट, प्लीज़ यू नो ये कहाँ है, वेयर इज दिस। एक तो वो मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझे, बट दे फिगर आउट कि आई नीडेड हेल्प। दे हैव ऑलमोस्ट वॉक्ड मी टू द डेस्टिनेशन, देन मतलब मैं एम्बैरस हो गई कि आप रुक जाइए मैं चली जाऊंगी, आई विल मैनेज। आगे गई मैं फिर गुम हो गई, दैट्स अनदर पॉइंट। अगेन आई आस्क्ड फॉर हेल्प, टक 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 टक, दैट लेडी टुक आउट
हैप्पीली स्वीटली हर फोन दैट टेक्नोलॉजिकली फैंटास्टिक निकाला. शी फाउंड मी माई प्लेस, शी हैज टेकन मी टू द डोर ऑफ द प्लेस. दे आर लवली पीपल. नीटनेस उनकी इतनी है, हर बात में उनकी नीटनेस है. चाहे वो आपको कोई खाना परोसे, चाहे वो लाइट बल्ब बनाए या कोई बड़ा काम कर रहे हो, द सेम अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड नीटनेस इन एवरीथिंग. मैं आपसे ये क्यों कह रही हूँ, अगर आपको कभी भी कोई चांस देना कि जापान में ट्रेनिंग के लिए जाना है, आप बिल्कुल कूद पड़िएगा, छोड़िएगा नहीं वो चांस, जरूर जाइए. बिकॉज दैट एक्सपोजर दैट विल एक्सपैंड योर माइंड. यू विल विश एंड आफ्टर यू हैव रीच्ड, आई मीन वंस यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट कॉन्शियसनेस, दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, when you come back you will definitely excel. chaliye sorry so to india mein 65% people young, kya energy hai na, bol rahe the na josh junoon. to imagine what you have in this country, what wealth it is. abdul kalam ji ki main kitab pad rahi hu aajkal. उन्होंने कहा है, द इग्नाइटेड माइंड ऑफ द यूथ इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑन द अर्थ, अबव द अर्थ एंड अंडर द अर्थ. यूथ पावर इफ प्रॉपरली डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड कैन ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन ह्यूमैनिटी फॉर इट्स प्रोग्रेस, मीटिंग इट्स चैलेंजेस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी. That is if it is controlled and directed well. But what if it is not? What if our 365 million youth are today fed junk? Junk food, junk films, junk lyrics, junk thought, junk air. We're polluting the air, we're polluting the soil, everything. We're doing that with our so-called modernization. What if we don't give them the nourishment they need? Ki kitna bada hadsa hoga. That is why I say congratulations Nav Bharat Times, ki you actually take the youth seriously, because they are our wealth today. Mujhe politics देखिए, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मगर एक कमाल की चीज मैं सोचती हूँ नरेंद्र भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने की है. ही मेड योगा इंटरनेशनल डे. यूनाइटेड नेशंस में जाकर और रिकॉर्ड 177 कंट्रीज वोटेड, दे सपोर्टेड इट. देयर वाज नो वोटिंग. 177 कंट्रीज ने बोल दिया करो, because they realize the wisdom behind yoga. Yoga, Sanskrit word hota hai union. It means union. It means oneness. जब मैं छोटी थी ना, तो मैं सोचती थी, जब मैं मम्मी को देखती थी ये योगा कर रही होती थी, तो कुछ अजीब अजीब कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ आसन चल रहा होता था. सोचती थी क्या क्या है ये क्या है, ये ना सिर्फ बड़े ओल्ड लोग करते हैं. 10 साल पहले कुछ इत्तेफाक से मैंने शुरू कर दिया. आज मैं कहती हूँ माय गॉश, मेरी तो जिंदगी बदल रही है, मेरी सोच बदल रही है, कितना मेरा माइंड खुल रहा है. और मैं विश करती हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी से योगा को अपना लें. और मैं आज, क्योंकि आप मतलब बच्चे ही हो, जैसा कि उन्होंने कहा, बच्चे ही हो आप लोग, योगा को अपना लीजिए, आप धन्य हो जाएंगे. मतलब आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं ना, वो पूरी होंगी स्मूथली. इसका मैं उदाहरण मतलब कुछ बताती हूँ आपको. जो मेरे गुरुजी को एक बार मैं सुनने गई थी, उन्हें वो बता रहे थे, बड़ा खूबसूरती से उन्होंने कहा, आपके इर्द गिर्द हर रोज कमाल हो रहे हैं, कमाल हो रहे हैं, मिरेकल्स आर हैपनिंग,
आप तो रियलाइज ही नहीं कर रहे कितनी सीमलेसली स्मूथली विद परफेक्शन हमारी धरती घूम रही है, हर रोज घूमती जा रही है. इट्स ऑर्बिटिंग द सन विदाउट फ्रिक्शन विदाउट एफर्ट परफेक्टली गोइंग. इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कोई एक दूसरे में क्रैश नहीं कर रहा, एक प्लैनेट दूसरे से टकरा नहीं रहा. अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह, अपना अपना काम करते जा रहे हैं. Because they're moving perfectly on their axis. आपने एक लट्टू को देखा होगा, when it's perfectly moving, suck, it stands and it spins. You cannot even see the spin. It is so fantastic. फिर, but when it loses its axis, when it starts losing, then वो लड़खड़ा जाता है, फिर वो गिर जाता है. Now imagine all this is seamlessly happening. हर रोज सन इधर से आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है. जस्ट इमेजिन इफ वन डे इट जस्ट डिलेज इटसेल्फ, स्टॉप भी नहीं करता, डिले हो जाता है, क्या होगा? कमाल ही हो रहा है ना. हम तो ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं कि ओ या ये तो होता है. अरे वहां कितना कमाल हो रहा है. दिस इज द यूनिवर्स, इट्स मूविंग परफेक्टली. We are a part of that universe. हम उस ब्रह्मांड का एक तिनका हैं, मगर हम उस ब्रह्मांड का तिनका हैं. And yoga will make you one with that energy. It will make you one with that energy. It is moving with such amazing intelligence. It will put you in touch with that intelligence. And so, if you have dreams, aspirations, desires, you're young, you can do it. All you need is alignment. Whatever it may be, business, whatever, align yourself, your body, mind, soul. Success, aapke kadam chhumegi. आपको आपकी थिंकिंग इतनी क्लियर होगी ना, जैसे क्लियर दिन में दूर तक दिखाई देता है, वैसे आपकी सोच एकदम साफ हो जाएगी. वट एवर यू वॉन्ट आ जाएगा आपके पास. सो ऑल आई वॉन्ट टू से टू यू इज डू अडॉप्ट योगा और 10-15 साल में मुझे मिलना और साष्टांग प्रणाम कर देना मेरे को, ठीक है? I just gave you a few thoughts of mine. Thoughts के बारे में भी एक sweet सा एक example है. अगर आपके पास एक apple हो और मेरे पास एक apple हो और मैं आपको अपना apple दे दूं और आप मुझे अपना apple दे दो, तो हम इस room से जब निकलेंगे ना, हमारे पास फिर भी एक एक ही apple होगा. मगर मैं आपको अपना idea दे दूं, आप मुझे अपना idea दे दो, तो यहां से जब हम निकलेंगे ना, तो दोनों के पास दो दो आइडिया होंगे. सो वंडरफुल एक्सपीरियंस आइडिया. आई जस्ट वांट टू से टुडे इज नॉट जस्ट अनदर ऑर्डिनरी डे, इट इज अ डे टू डू एंड से समथिंग दैट माइट जस्ट इंस्पायर समवन टू बिकमिंग ग्रेट, एस्पेशली द यूथ.
आपने कुछ सुना? जी बिल्कुल, बहुत सारी। अच्छा थे, अच्छा आप थे अंदर बताने। अच्छा नहीं, अभी कुछ याद कर रही थी कि आइडियाज, थॉट्स, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। इनका सॉरी, ओके आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज़ गोइंग टू से। ओके, ये जो प्रोग्राम रखा गया है नव भारत टाइम्स, संवाद यूथ के साथ, जवानों के साथ, जवान बच्चों के साथ, जो कि इस देश का धन है सच मायने में। इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे देश में 365 मिलियन यंग लोग हैं, 10 और 24 की उम्र के बीच में। अगर इस यूथ, इस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज किया जाए तो दुनिया बदल सकते हैं, और अगर ये गलत रास्ते पर निकल जाए तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। इट विल बी वेरी सैड। What makes you great? What makes you bigger? What makes you better? It's your thoughts. It's your ideas. यहाँ पर आकर मैं भी आज कुछ सीखी, जैसे कि मैं मोतीलाल ओसवाल जी का की स्पीच सुन रही थी। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। तो I loved it. I said, अच्छा है ना, ऐसे अगर हम सोचेंगे कि काम ऐसा करो कि बस कमाल हो जाए, तो हमारी यूथ, हमारी कंट्री को, हमारी इस दुनिया को कहीं और ही ले जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई फील प्रोग्राम्स लाइक दिस आर वेरी वैल्यूएबल, एंड आई वुड इनकरेज कि और यंग लोग, बच्चे इसके लिए साइन अप हों, क्योंकि हियर यू गेट अ चांस टू लिसन टू एक्सपीरियंस पीपल। यूथ के पास एनर्जी है, एक्सपीरियंस नहीं है। एल्डरली लोगों के पास एक्सपीरियंस है, एनर्जी नहीं है। सो इफ यू कैन कंबाइन द टू, यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी इंडस्ट्री में लंबा टाइम आपने ये किया, वो एज क्या थी जब जूजी ने डिसाइड किया मुझे एक्टर बनना है और इस तरह से सुपर डुपर हिट फिल्म में रहना है? कुछ ज़िंदगी ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, और मैंने सोचा कि अरे वाह कमाल हो रहा है, ये मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई है, मैं उसे ले लूँ। ऐसा कुछ करते मैं इंडस्ट्री में पहुंच गई। ये मैं पूरा क्रेडिट ले नहीं सकती कि मैंने ये सोचा और मैंने ही उसे साकार कर दिया। मुझे लगता है ज़िंदगी मुझे, ज़िंदगी ने मुझे दिशा दिखाई, मैंने मेहनत की, और एक मैं कहूँगी एक अच्छा एटीट्यूड रखा, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक मे बी आई लास्टेड आउट, एंड ऑफकोर्स आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ। चाहिए आपको स्पीच? जी बिल्कुल, लग रहा है। हाँ कुछ देखिए, कुछ बातें हमें देखने को मिलेंगी ऐसी ही नहीं, आप जैसे अगर मेरी कुछ बातें सुनी और आपको अच्छी लगी, इसी तरह मैंने जब स्क्रिप्ट चौक इंडस्ट्री की सुनी तो मुझे कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ बातें मुझे पता नहीं थी वो मुझे जानने को मिली, कुछ बातें मुझे छू गई, इसलिए मैंने वो फिल्म की है। अब आप आकर देखिए कि ये वो क्या बातें हैं। आई होप एंड आई फील हम एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। आपके स्पीच में योग का काफ़ी महत्व रहा, उससे भी ज़्यादा आपने लिए योग का कितना महत्व है आपकी लाइफ में? योगा आपको अलाइन कर देती है, तो बॉडी माइंड स्पिरिट को, आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। जब विचार अच्छे हों, आइडियाज़ आपके अच्छे हों, आप उन पर मेहनत करें, तो आपको कौन रोक सकता है? तो इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आप, मैं आपको बोल सकती हूँ चलिए परिश्रम करिए, चलिए ये करिए, आप करेंगे नहीं करेंगे, आप अगर योगा करेंगे ना अंदर से ही जागृत हो जाएंगे। तो इसलिए मैं वो कहती हूँ आपको कि अगर आप इस ज्योत को अपने अंदर जला दीजिए, तो ये जो 5000 साल से हमारे भारत में जो कह रहे थे साधु संत और जो करते हैं, वो अगर आप मान लें तो फिर आपकी ज़िंदगी चमक जाएगी। इसके अलावा अगर आपके प्रोजेक्ट की बात करें, बारे में फिल्मों की, तो अभी किस किस प्रोजेक्ट में देखने? अभी तो फिलहाल चौक एंड डस्टर, और बाकी
इंडोर्समेंट्स और सब चलती रहती है, और यहाँ पर आकर कभी कभी स्पीच दे देती हूँ और आप आ जाते हैं, तो धन्यवाद। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू सो मच।